खबाज वेलकम बैक टू तो अनदर एपिसोड ऑफ़ दिल की बात रिसेंटली एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई लिंक्डइन के ऊपर सैफ अली साहब ने डाली थी जो कि पहले टीबीटी पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से दुबई के वीजा चाहे वो विजिट वीज़ाज हों या वर्क वीजाज हो वो आजकल पाकिस्तानियों के लिए रिजेक्ट हो रहे हैं ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुबई का सीजन खुल रहा है कॉन्फ्रेंस हो रही हैं इनफैक्ट बड़े सारे लोगों को इस वक्त जॉब ऑफर्स आई हुई हैं और बेहतरीन जॉब ऑफर्स आई हुई है द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो इस वक्त आपको वीज़ा नहीं मिल सकता अफेक्टिवली पाकिस्तानी सारे बैंड हैं अब जाहिर है ये पोस्ट बहुत क्विकली वायरल होगी गई पे तो हुई लेकिन फेसबुक ट्विटर हर जगह पर ये बहुत तेज़ी से आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की कि गवर्नमेंट जो है वो इनफ स्टेप्स नहीं ले रही ताकि हमारे जो है ना वीजा लग सकें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही ये क्या सूरत हाल है पहले ही पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब हैं अब बंदा बाहर भी नहीं जा सकता एंड ओवरऑल लोगों को बड़ा दुख हुआ बड़ी डिप्रेशन हुई क्योंकि दुबई एक ऐसा इलाका था जहाँ पर बसानी हमें वीज़ा मिल जाता था हमें अगर वेकेशन भी चाहिए और कहीं और जाने की ओपर्चुनिटी नहीं है तो हम आंखें बंद करके दुबई चले जाते थे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पासपोर्ट की फ़ोटो के ऊपर आपका वीज़ा भी लग जाता था और आपके इतने जानने वाले होते थे कि आप किसी ना किसी तरीके से बड़े आराम से दुबई चले जाते थे वेदर इट्स फॉर बिजनेस वेदर इट्स फ़ॉर टूरिज्म इट्स फॉर एनी रीजन एट ऑल लेकिन अब अगर दुबई ने भी हमें बैन करना शुरू कर दिया तो कितनी यह डिप्रेसिंग सूरत हाल है और इसका क्या मतलब है आने वाले वक्त में हम किधर जा रहे हैं तो जाहिर है ये मेरे लिए भी बड़ी हैरान कौन बात थी और मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि ये हुआ और आने वाले वक्त में क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी ज्यादा खराब होगी या ये सोलूशन की तरफ आप बढ़ती हुई जा रही है सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्यों देखिए पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया ट्वेंटी और ट्वेंटी में जिसमें आपका डॉलर क्रैश कर गया डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई पाकिस्तान रुपीज के अंदर मीन पाकिस्तान में लोग जॉब दर जॉब जॉबलेस होना शुरू हो गए तो जो एवरेज आदमी लेट से जो पैंतालीस हजार पचास हजार रुपया कमा रहा था वो उस टाइम के 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 रेट के हिसाब से हजार धर्म कमा रहा था लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया और धर्म का रेट सेवेंटी फाइव रुपीज से पहुंच गया तो अब वो उसके हिसाब से तकरीबन पांच सौ धर्म कमा रहा था मीन वाइल दुबई में जो आपकी एवरेज ब्लू कॉलर जॉब है जैसा कि लेबर हो गया या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया या आपका डिलीवरी बॉय हो गया या कैशियर हो गया इस तरह के लड़कों की जॉब्स जो है ना पच्चीस सौ तीन हजार धर्म पे लगती उसमें वो खाना और स्टे आपका वो मैनेज कर लेते हैं तो पहले पाकिस्तानी सोचते थे कि यार अगर हजार दिरहम मैं पाकिस्तान में रह के कमा रहा हूं अपनी फैमिली के पास तो मैं क्यों दो ढाई हजार धर्म के लिए जाऊं लेकिन सडनली एक तो डिमांड साइड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार चालीस हजार रुपया लेट से मुझे जो है ना फैक्ट्री में काम करके मिल रहा है या सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करके मिल रहा है तो अगर मैं वहां जाकर डेढ़ हजार धर्म भी कमाता हूँ जिससे मेरा खाना और रहना जो है वो मैनेज हुआ हुआ है तो सडनली मैं अपने घर वालों को एक लाख बीस हजार रुपये भेज सकूंगा सिमिलटेनियसली दुबई में जो बिजनेस थे उन्होंने देखा कि यार पच्चीस सौ के बजाय हमें तो पंद्रह सौ में बंदा मिल रहा है और इस पंद्रह सौ के बंदे को हमें जो है ना वीजे की कॉस्ट नहीं है पेपर वर्क की कॉस्ट नहीं है वो आके ये कह रहे हैं कि सर मैं आपके लिए काम करूंगा मुझे महीने के आखिर में पंद्रह सौ आप कैश में दे दिया करिएगा बाकी जहां पर आपके बाकी वर्कर रहते हैं मैं उनके साथ रह लिया करूंगा उनके साथ खा लिया करूंगा तो इकोनॉमिकली सडनली इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बहुत थोड़े अरसे में मूव आउट ऑफ पाकिस्तान और खास कर ये सिचुएशन इस वजह से ज्यादा गंभीर हुई क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस बहुत सारी दुबई फ्लाई कर रही थी तो आपका जो टिकट प्राइस था वो बड़ा सस्ता था जहां पर एमिरेट्स आपसे से, से डेढ़ दो लाख रुपया ले रही थी रिटर्न टिकट का तो एयर ब्लू पी आई ए सीरीन में आपको जो है ना अस्सी हजार से एक लाख रुपए के अंदर रिटर्न टिकट मिल रहा था जिसमें अगर आप एक तरफ ट्रैवल करके अपना रिटर्न कैंसिल करा दें तो तीस चालीस हजार रुपये आपको वापस ही मिल जाता था तो साठ हजार रुपए जो आपकी कॉस्ट थी जो ट्रैवल करने की वो आपकी वैसे ही पूरी हो जाती थी जब आप दो तीन महीने काम करते थे आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलता था कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी कवर हो जाता था अब इसकी वजह से हुआ यह कि बहुत सारे पाकिस्तानी विजिट वीजा लगा के यूए आ गए और वापस जाने के बजाय उन्होंने यहाँ पे लोकल अपने जान पहचान के थ्रू जो है ना किसी फैक्ट्री में किसी ग्रोसरी स्टोर में कहीं ना कहीं कोई नौकरी पकड़ ली काफी नौकरियां बड़ी सिंपल के यार ग्रोसरी स्टोर जहां पर है उसी के ऊपर कोई अपार्टमेंट होता है उसमें सारा स्टाफ रह रहा होता है तो वो जो लड़का है उसने जाके जो है ना ग्रोसरी का सामान उठाना है और उसने आगे पीछे की बिल्डिंग्स में जाकर डिलीवर करना है अब ये बिल्कुल एक सिंपल सी जॉब है इवन जो मेरी बिल्डिंग के नीचे ग्रोसरी शॉप है उसमें जो डिलीवरी वाला लड़का था वो पाकिस्तानी था उसने भी मुझे अपनी यही दास्तान सुनाई कि सर मैं विजिट वीजा पे आ गया था अब मैं फंस गया हूँ वो मुझे भी ज़्यादा नहीं देते लेकिन अब मैं अथॉरिटीज़ के पास नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं जाऊँगा मुझे जेल में डाल देंगे डिपोर्ट कर देंगे पता नहीं कितने हज़ार दरहम का फाइन लगा देंगे हमेशा हमेशा के लिए मैं बैन हो जाऊँगा तो वो इस तरह का बहुत सारा पाकिस्तानी था जो कि अब्यूसिफ वर्क इन्वयमेंट में भी पढ़ा हुआ था लेकिन बस वड़ा हुआ था आ गया था वो क्योंकि कि किसी ने सुनहरे ख़ाब दिखाए थे कि यार डेढ़ दो तीन लाख रुपये तो मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आके वो फंस गया था और यहाँ पर बज़नेस ओनर जो हैं वो भी आपको अब करते हैं उनको नज़र आता है कि यार ये पेपर वर्क के बगैर बन जाए हमारे कंट्रोल में रहेगा जो इसको बोलेंगे ये चुप करके करेगा तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इधर आए यूएई के अथॉरिटीज़ ने देखा कि यार जितने लोग एंटर कर रहे हैं उतने लोग छोड़ के तो नहीं जा रहे तो जाहिर है उनको नजर आना शुरू किया कि अमाउंट ऑफ लोग जो है वो इस वक्त इलीगली यू में स्टे करके बैठे हुए अच्छा भाई देवी ओवरऑल प्रॉब्लम जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है इसमें इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन हाँ पाकिस्तानियों की वॉल्यूम ज्यादा है इस अरसे के अंदर क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसकी वजह से नेचुरली जो आपका अगर ग्राफ होता है जिसमें नॉर्मल लोग भी आ रहे होते हैं उसमें कुछ इलीगल्स भी होते हैं तो इस बार सडनली डेस्परेशन की वजह से इलीगल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था खैर एनी जब ये सिचुएशन हुई तो यू अथॉरिटीज ने दो तीन चीजें की पहला उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंप्लीटली वीजा के ऊपर बैन लगा दिया उन्होंने कहा कोई नया बंदा नहीं आएगा अभी हमें सॉर्ट आउट करना है कि जो एक्स्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं हमने उनको किस तरीके से पकड़ना है और फैसिलिटेट करना है दूसरा उन्होंने क्या किया उन्होंने एक जनरल एमनेस्टी अनाउंस की जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगी इस साल की जिसमें उन्होंने ये कहा कि यार अगर आप इलीगली बैठे हुए हैं और आपके ऊपर जो 10, 12, पंद्रह हज़ार दिन हमका फ़ाइन लगना था कि आप इलीगली बैठे हुए हैं आगर तो हम आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाएंगे आप अपने आप को ज़ाहिर करें अगर तो आपके पास जॉब नहीं है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीज़ा देंगे उस वीज़े से आप बड़े आराम से अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं मीन वाइल अगर आपकी यहाँ पे जॉब है तो आप अपने बिजनेस ओनर को बोलें कि यार आपके लिए वीजा अप्लाई करें हम आपका स्टेटस विजिट वीजा से जॉब वाला वीजा कर देंगे और साथ ही उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप की जिसमें सस्ते टिकट्स भी हैं फ्री टिकट्स भी हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है हालात खराब हैं अपने दोस्तों यारों के घर बस पड़े हुए हैं क्योंकि यू नो निकल भी नहीं सकते कुछ पट भी नहीं सकते तो वो लोग जो है ना वो खामोशी से अपनी होम कंट्री वापस चले जाए अब ऑलरेडी जब से ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई है तकरीबन बीस हज़ार लोग जो हैं डिफरेंट पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली फिलिपिनो उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी जाहिर कर दिया है प्लस मीन वाइल अथॉरिटीज़ एक्टिवली क्रैक डाउन कर रही हैं उन इलाकों में जा रही हैं जहाँ पर उनको लगता है कि इलीगल लोग रहते हैं छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक डाउन कर रही हैं लेकिन ऑलरेडी जो इनकी ये स्कीम है ये बड़ी सक्सेसफुल हुई है और इससे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नॉर्मल लीगलाइज कर लिया हुआ है अच्छा मीन वाइल पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जब हम बात करते हैं तो देखें पहली चीज तो समझना जरूरी है कि अथॉरिटीज को कभी भी अपने लोगों की इंटेंशन के बारे में नहीं इल्म होगा अगर लोग इस तरीके से जा रहे हैं अगर लोग जाते हैं कहीं पर विजिट वीजा पे और वहां से वो फरार हो जाते हैं तो मैजिकली अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर उन्होंने मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए हैं जिसकी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो ये जाहिर है उनकी गलती है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा बट मैं जनरली ये कह रहा हूं कि अगर आपके लोग फॉर वट रीजन इस तरीके से जा रहे हैं बाहर और वहां पर जाके वो जो है ना असाइलम ले रहे हैं या आ, विजिट वीजा के ऊपर जा करके वो फरार हो रहे हैं तो उससे जाहिर है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और उसकी वजह से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी भी है तो गवर्नमेंट ने अब मजीद इसके ऊपर डबल डाउन किया उन्होंने कहा कि अब जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो एक्स्ट्रा सवाल पूछेंगे एयरलाइंस एक्स्ट्रा सवाल पूछेंगी कहा जा रहे हैं किस होटल में जा रहे हैं वगैरह वगैरह क्योंकि जाहिर है अब वो उसी स्टेप के ऊपर लोगों को रोक सकती हैं अगर उनको लगता है थोड़ा सा भी शक होता है कि यार ये विजिट वीजा पे जा रहा है लेकिन ये भागने के लिए जा रहा है तो वो उसको वहीं पे जो है ना वो नॉट ओके टू बोर्ड करके वापस भेज देते हैं बुकिंग है है, तो है तो है करा लेते थे एक तरफ की फ्लाइट होती थी दूसरी तरफ की फ्लाइट वो बस शो कराने के लिए बुकिंग में करके डाल देते थे तो अब उन्होंने ये है कि यार रिटर्न टिकट सेम फ्लाइट से हो और वो एयरलाइन से बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों की फ्लाइट चेंज तो कर दें लेकिन कैंसिल ना करें ताकि थोड़ी सी कॉस्ट बढ़े और लोग डिस इनसेंटिवाइज हूँ अब जाहिर है ये तमाम चीजें आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट क्यों कर रही है लेकिन इससे जो लेजिटिमेट ट्रेवल हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ेंगी उनके लिए फालतू के रोड ब्लॉक्स एक्स्ट्रा आएंगे उनके लिए फालतू की न्यूसेंस होगी एयरपोर्ट के ऊपर जिसमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा लेजिटिमेट रीजनस के लिए भी अगर वो जा रहे हैं तो अब उनको जो है ना दस दफा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया हम नहीं मुल्क से फरार होना चाह रहे हम सिर्फ छुट्टी के लिए जा रहे हैं जो भी है लेकिन यू नो अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं उसमें यही सोल्यूशन एक पोटेंशियल गवर्नमेंट को नजर आया और वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं पर्सनली आई डोंट थिंक इसमें गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर सकती है लाइक आई सेड इकोनॉमिक जब हिट पड़ती है आपको तो एक इस तरह की सिचुएशन हमेशा इमर्ज करती है एक ब्लेप आया जिसकी वजह से एक एक्सॉडस हुआ जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबिलाईज होगी ऑटोमेटिकली लोग जो है वो स्टेबल रुकना शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को अगर मैक्सिमम भी कुछ करना है तो उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है बट बियॉन्ड दैट वो किसी किस्म के जो है ना रोड ब्लॉक्स लगाएंगे या इमिग्रेशन मुश्किल कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है पोटेंशियली कोई इनोवेटिव तरीके से गवर्नमेंट जो है जी वो ट्रबल मेकर्स को जो लोग इलिगली निकलना चाहते हैं उनको रोक सके और लीगल लोगों को फेसिलिटेट कर सके लेट सेक्शन बिलो बट एनी वे सो व्हाट्स नेक्स्ट अब आने वाले वक्त में क्या होगा देखें थर्टी अक्टूबर तक ये जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है उस वक्त तक तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का जो

ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन जब हम नेट पे देखते हैं कि कितनी बड़ी कंट्री है उसके अंदर जो इवन जो टॉप पे अमीर तरीन लोग हैं ना अगर वो भी दुबई उनको टैप करे तो वो दुबई के लिए एक बहुत सब्सटैशियल अमाउंट बनती है तो वो इतने आराम से आपको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता इतने आराम से आपको ये नहीं कर सकता कि बैन लगा दे लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है तो एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के फौरन बाद वीजे खुल जाएंगे लेकिन इस बार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन सम वर्ड वापस आएंगी जैसा कि हो सकता है बैंक स्टेटमेंट अब आपके लिए रिक्वायर्ड हो हो सकता है कि आपको कोई रीजनिंग वगैरह देनी हो जब आप वीज़ा अप्लाई करें हो सकता है जो सेम डे वीज़ा आ रहे थे अब हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ता लगे जिसमें आपका वीज़ा प्रोसेस हो अगेन फालतू की अनोयंस बढ़ेगी कम्पेयर टू पहले अब इसमें आखिर में मैं सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूँगा पहला तो ये कि जो पाकिस्तानी जो लजिटरमेटली यू आना चाहते हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं वो फ्री वीज़ा ले सकते हैं जिसमें छः साढ़े छः सात लाख रुपये में उनको फ्री वीज़ा मिल जाता है वो अपने वीजे पर दुबई आए आके उन्होंने जो काम करना है वो यू you नो know, एक साल के लिए वो कंप्लीटली फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट वो अवेलेबल होंगे और वो किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं तो एक तो ये ऑप्शन बड़ी सिंपल है इसी के साथ आप अपनी कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं उसके थ्रू भी आप अपना वीजा निकलवा सकते हैं उसके ऊपर तकरीबन बारह लाख रुपए तकरीबन कॉस्ट आती है तो ये वाली ऑप्शन अभी भी ओपन है ये अभी भी चल रही है लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई लेट से ब्लू कॉलर वर्कर है कोई लेबर है कोई यू you नो know, कोई ड्राइवर है जो कह रहा है कि सर मुझे किसी ने बताया है कि मैं चार लाख रुपए दूं और मेरा जो है ना वो दुबई में काम लगा देगा तो ये इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स अब आजकल चलना शुरू हुए हैं जिसमें बेचारे गरीब लोगों को उनसे पैसे लेके लोग जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं वीज़ा शीज़ा कोई नहीं उनका लगा हुआ होता विजिट वीज़ा पे वो उनको लेकर आते हैं यहाँ पर आके वो उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी फैक्ट्री के साथ किसी और जगह के साथ पासपोर्ट उनका जब्त कर लेते हैं इन लोगों को पता होता है कि यार ये तो अगर हम पकड़े गए तो हम तो जेल जाएंगे तो ये भी खामोशी काम करते रहते हैं बोला होता है दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार द्रह के ऊपर हम तुम्हें लेकर आएंगे लेकिन पाँच सौ आठ सौ नौ सौ द्रम बहुत इनको मिल रहा होता है मैंने पर्सनली ऐसी कहानियां सुनी है लोगों की जिनके वीजे फंसे हुए थे और वो लिटरली रहने और खाने के ऊपर काम कर रहे थे छः छः महीने से उन्होंने अपने घर वालों को पैसे भी नहीं भेजे थे और वो जो है ना यहाँ पे बस फंसे हुए थे तो अगेन इस तरह के लोग हैं प्रेडिटरी किस्म के लोग हैं तो अपने इर्गर्द ऐसे लोगों को एजुकेट करें उनसे कहें कि यार अगर जा रहे हो तो लीगल तरीके से जाओ बर करम इ तरीके से ना जाओ एक तो आपके साथ ज्यादती होगी आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती ये जो आपको खाब दिखाई जा रहे हैं ना कि यार आप किसी तरह बस पहुंच जाओ उसके बाद तुम्हारे साथ सब सेट हो जाएगा तो जब आपके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती तो हमेशा लोग आपको अब करते हैं ये ये लिटरली दुनिया का निज़ाम है कि जब आपके पास कोई बड़ी पावर चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाए ना अगर आपके पास गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं है तो लोग आपको खा जाएंगे और काफी दवा अपने ही खा जाते हैं पाकिस्तानी ही होते हैं जो कि आपको कैश के ऊपर लिटरली अब करते हैं शायद गोरा तो फिर भी इतना ना करे बट नॉन द लेस इ लीगली ना करें इलीगली इस तरीके से आके ना काम करें क्योंकि उससे आपको भी नुकसान होता है और ओवरऑल जैसा कि हमने देखा कि पूरी कंट्री को नुकसान होता है पूरी कंट्री का नाम भी खराब होता है वीज़ाज़ भी मुश्किल होते हैं लजिटमेट जो लोग एक्चुअल मेहनत करके प्रॉपर चैनल्स के थ्रू काम करना चाहते हैं अब वो भी नहीं कर पाते बट एनी वेज आखिर में मैं इसमें यही कहूँगा देखें इसमें कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है ये जो चीज़ हो रही है ना ये बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रही इंडियंस भी ये कर रहे हैं फिलिपिनोस भी ये कर रहे हैं बंगाली भी ये कर रहे हैं आप जाके अगर लिखेंगे ना एमनेस्टी स्कीम तो उसके ऊपर आपको इंडिया की बहुत सारी रिपोर्टिंग मिलेगी कि कितने सारे उनके भी डेढ़ दो हज़ार लोग जो हैं वो इस तरह उन्होंने पकड़े हैं टोटल तकरीबन मेरा ख्याल है बीस हज़ार लोग जो हैं वो अभी तक रजिस्टर करवा चुके हैं अपने आप को उसमें इंडियंस की अमाउंट भी है बंगालियों के अमाउंट भी है तो ये पूरी दुनिया में होता है कोई ऐसा मसला नहीं है आप अगर वो अमेरिका में जो देखें जो साउथ अमेरिका की साइड से इलीगल क्रॉसिंग हो रही है उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं उसमें बहुत सारी और नेशनैलिटीज़ हैं तो जो एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लोगों का होता है ना कि यार पाकिस्तानी तो है ही फारक वो आप ना सोचें हाँ हमारे इकोनॉमिक हालात खराब हुए हैं उसकी वजह से लोग डेस्परेशन में ये चीजें कर रहे हैं तो उनको ह्यूमनाइज करें अंडरस्टैंड करें लेकिन जहां पर आपको कोई बंदा मिलता है उसको एजुकेट जरूर करें उसको जरूर बताएं कि यार इस किस्म का स्टेप लेने के क्या खदशात एग्जिस्ट करते हैं और क्यों उनको नहीं लेना चाहिए है लीगली अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिस्मिल्ला आए परस्यू करें लेकिन इलीगली अगर करेंगे तो वो नुकसानदेह इन द लॉन्ग रन बट एनीस मैंने सोचा एक छोटी सी चीज थी एक तो मैंने नया टेस्ट भी करना चाह रहा हूं मॉडल विद इन ट्वेंटी मिनट्स मैंने इसको मुकाया है खत्म किया है और एक ऐसी चीज थी जो कि मार्केट में चल रही थी मेरे पास उसके बारे में थोड़ी नॉलेज थी तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूँ लेट मी नो इन द सेक्शन बिलो कि आपको ये कैसा लगा नया मॉडल क्या ये छोटी शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो जो हैं डू दे वर्क डू दे डोंट वर्क Uh, let me know in the comment section below. But anyways, this was Ayaz Muzammil Hasan Zedi. You are watching Dil Ki Baat. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. If you want to make a digital personal brand, then I'm launching my Digital Media Masterclass. Where I'll teach you the fundamentals digital media and influencer marketing. This in a two-month-long live bootcamp where I'll be summarizing 14 years of my experience in the field. If you're interested, you can sign up with your email on the link down below. See you there.